हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप एक नया पेन ड्राइव परचेस करना चाहते हैं तो आपको किन पांच चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है, जिससे कि अगर आप पेन ड्राइव परचेस करें तो आपका पैसा भी बेस्ट ना जाए, इससे आपको एक बेस्ट पेन ड्राइव देखने को मिल जाए। या दोस्तों, कोई भी जब पेन ड्राइव परचेस करता है तो उसमें उसकी प्राइस देखता है, उसमें आपको मेटल बॉडी देखने को मिलती है कि प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है, ये चीज चेक करता है, और उसमें आपको कितना स्टोरेज देखने को मिलता है। बस यही तीन चीज अधिकतर लोग चेक करते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ और भी ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिसको चेक करने की जरूरत है दोस्तों। और उसको चेक करने के बाद में अगर आप पेन ड्राइव परचेस करते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आपको जो पेन ड्राइव देखने को मिलेगा बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको रीड एंड राइट स्पीड भी अच्छी देखने को मिल जाएगी, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल जाएगी और सारी चीजें भी अच्छी देखने को। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि क्या वो पांच मेजर पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रख के ही पेन ड्राइव को परचेस करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, रीड एंड राइट स्पीड। या दोस्तों, आप कोई भी पेन ड्राइव परचेस करते हो तो उसमें आपको क्या रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिलती है उसको चेक नहीं करते हो, उसको जरूर से चेक करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप कोई डाटा ट्रांसफर करते हो या आप वीडियो वगैरह या मूवी वगैरह अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफर करते हो किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर से, तो उसमें आपको बहुत ही स्लो ट्रांसफर होता है। क्योंकि दोस्तों, आप इसको पहले से चेक करके नहीं परचेस किए रहते कि इसमें आपको क्या रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिलती है, इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत ही स्लो देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप नया एक पेन ड्राइव परचेस करें तो सबसे पहले आपको उसमें चेक करना है कि क्या रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिलती है। जितना अच्छा उसमें रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिलेगा, उतना ही फास्ट आपका पेन ड्राइव देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, दूसरे पॉइंट पे आपको क्या चेक करना है कि वो शॉक प्रूफ है कि नहीं। या दोस्तों, दो प्रकार के यहाँ पे पेन ड्राइव देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको एक प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलता है और एक मेटल बॉडी देखने को मिलता है। प्लास्टिक बॉडी में तो आपको शॉक लगेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि वो शॉक प्रूफ रहता है, प्लास्टिक में कहां करंट लगेगा दोस्तों। लेकिन कई बार ये होता है, जो मेटल बॉडी होता है, जब आप उसको किसी पीसी में कनेक्ट करते हैं या किसी सीपीयू में कनेक्ट करते हैं, जब उसको कनेक्ट करते हैं या उसको निकालते हैं तो उसमें एक करंट लगता है दोस्तों, वहां पे शॉक लगता है। इसलिए कभी भी जब आप पेन ड्राइव परचेस करें, अगर मेटल उसमें आपको देखने को मिल जाता है पेन ड्राइव में, तब आप इसको जरूर यहाँ पे कंफर्म कर ले कि उसमें आपको शॉक प्रूफ देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपको जो 200-300 रुपीज में यहाँ पे मेटल बॉडी के साथ में पेन ड्राइव देखने को मिलते हैं, उसमें आपको शॉक प्रूफ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है फीचर। इसलिए दोस्तों, आप इसको जरूर से जरूर कंफर्म कर लें। उसके बाद दोस्तों, जो आपको तीसरे नंबर पे चेक करना है वो है कौन सा वर्जन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले जो आता था 2.0 वर्जन देखने को मिल जाता था, जो कि ओल्डर वर्जन देखने को मिल जाता था। उसके बाद 3.0, 3.1, 3.2 वर्जन, तो सबसे लेटेस्ट अभी दोस्तों 3.2 वर्जन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि दोस्तों, जैसे कि 200-300 रुपीज में आप पेन ड्राइव देखेंगे तो उसमें आपको 2.0 ही देखने को मिलता है, जो कि ओल्डर वर्जन देखने को मिल जाता है। जितना ज्यादा लेटेस्ट वर्जन रहेगा दोस्तों, उतना अच्छा आपको स्पीड देखने को मिल जाएगा पेन ड्राइव में, इससे जो आपका पेन ड्राइव का स्पीड रहेगा दोस्तों, आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको जो चौथे नंबर पे चेक करने की जरूरत है किसी भी पेन ड्राइव में, वो ये चेक करना है कि किस टाइप का आपको पेन ड्राइव देखने को मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे टाइप के यहाँ पे पेन ड्राइव देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको सिंगल यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है, डुअल यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी प्लस यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कई प्रकार के यहाँ पे पेन ड्राइव देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें ये चीज भी मैटर करती है दोस्तों कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। या दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप पेन ड्राइव ले लेते हो, लेकिन जब आप मोबाइल से कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए दोस्तों आपको अलग से एक ओटीजी केबल लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अभी पेन ड्राइव में भी ऐसे यहाँ पे आ गए हैं जिसमें आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है और 2.0 या 3.0 3.1 कोई सा भी आपको यूएसबी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, डुअल पोर्ट के साथ में देखने को मिल जाता है, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल में भी कनेक्ट कर सकते हैं और लैपटॉप में भी कनेक्ट कर सकते हैं बिना ओटीजी केबल के। यहाँ पे चीज आपके ऊपर है दोस्तों कि आपको किस प्रकार का चाहिए, उसी टाइप का आपको वहाँ पे सर्च करके आप परचेस कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो। उसके बाद दोस्तों, जो आपको पांचवें नंबर पे चेक करना है, इसी को अधिकतर लोग यहाँ पे 99% लोग इसी को बस चेक करते हैं। या दोस्तों, जैसे कि इसमें आपको क्या प्राइस देखने को मिलता है, कितना वारंटी देखने को मिलता है, कितना स्टोरेज देखने को मिलता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, ये चीज आपको चेक करनी है। या दोस्तों, अगर वारंटी नहीं रहेगा तो आपका पेन ड्राइव खराब हो जाएगा, तो आप उसको रिप्लेस नहीं करवा पाओगे, उसको ठीक नहीं करवा पाओगे, इसलिए वारंटी चेक करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, आपको कितना स्टोरेज चाहिए, ये आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि आपको 64 GB का चाहिए, 32 GB का चाहिए या 128 GB का चाहिए। जितना आपको चाहिए आप उसके अनुसार यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। प्राइस भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जितना ज्यादा स्टोरेज रहेगा उतना ज्यादा आपको प्राइस देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहता है कि जो प्लास्टिक बॉडी वाला यहाँ पे पेन ड्राइव होता है, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है उतनी अच्छी नहीं होती है, और जो मेटल बॉडी रहता है दोस्तों वो ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो प्लास्टिक बॉडी है उसमें भी आपको वही चीजें देखने को मिल जाती है और जो मेटल बॉडी रहता है उसमें भी आपको वही चीजें देखने को मिल जाती है। बस फर्क इतना है दोस्तों कि जो मेटल बॉडी के साथ में पेन ड्राइव देखने को मिलता है वो
थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और लुक वाइज भी अच्छा देखने में मिल जाता है दोस्तों। तो आपके ऊपर है दोस्तों कि आपको प्लास्टिक वाला यहाँ पे चाहिए या मेटल बॉडी के साथ में चाहिए। लेकिन दोस्तों जो प्लास्टिक वाला रहता है इसकी प्राइस आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 मेजर पॉइंट्स। जब आप किसी भी पेन ड्राइव को परचेस करते हैं तीन मेजर पॉइंट्स को जरूर चेक करना दोस्तों, जिससे आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा और आपको जो पेन ड्राइव देखने को मिलेगा वो भी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए।